हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए आप प्रिपरेशन कैसे करें वनश्री विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में। तो इसमें मैं आपको जनरली बताऊंगी कि कितने पार्ट आते हैं एग्ज़ाम में और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है और कितना टाइम मिलता है आपके लिए, और इसका एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है मैं आपको वो भी बताऊंगी कि आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग भी मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो एमएससी का जो सिलेबस होता है बायोटेक्नोलॉजी का, वो डिज़ाइंड किया जाता है कि आपके जो बीएससी में आपने पढ़ा है बायोटेक में वही हो। तो जैसे अगर आपने बीएससी देखा हो, मैंने सिलेबस पे भी वीडियो बनाई हुई थी, तो उसमें जो भी सिलेबस है सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है। एक बार मैं फिर से डिस्कस कर लेती हूँ क्या क्या होता है कि आपके पास दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए एंड पार्ट बी, पार्ट ए में होता है बायोलॉजी सेशन और पार्ट बी में होता है केमिस्ट्री सेक्शन। ड्यूरेशन दोनों 2 घंटा होता है, 100 क्वेश्चंस कैरी करता है हर एक पार्ट और 100 मार्क्स का होता है। मतलब एक एक क्वेश्चन का एक नंबर होगा, तो 100 क्वेश्चन का 100 नंबर होगा। आपको क्वालिफाई करना है अगर ये एंट्रेंस, तो आपको 100 में से 30% नंबर लेके आने पड़ेंगे तो आप एडमिशन के एलिजिबल हो जाएंगे। स्टूडेंट को ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप पार्ट ए के क्वेश्चन अटेंड करिए या तो पार्ट बी के। अगर फॉर एग्जाम्पल आप पार्ट बी के क्वेश्चन अटेंड कर रही हैं, तो आपको 100 में से 30% चाहिए जिससे आप क्या कर सकें, क्वालिफाई कर सकें और एडमिशन के लिए एलिजिबल हो सकें। अगर आप पार्ट ए का कर रही हैं अटेंड, तो आपको 100 में से 30% चाहिए है तो आप क्या हो जाएंगी, एलिजिबल हो जाएंगी। फिर क्या होता है पार्ट ए, जैसे अगर आप पार्ट ए करने का सोच रही हैं कि मैं पार्ट ए का ए के लिए प्रिपरेशन करूं, तो आप पार्ट ए में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी इंक्लूड होती है। इसमें क्या क्या सब टॉपिक होते हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिपिकल सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। जैसे आपको मैंने बताया भी, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है, इसमें यूनिट नंबर फर्स्ट में ही ये टॉपिक है, तो उसमें से तो तुरंत मतलब कि पहला यही आ गया आपका यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। सेल का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनेल्स एंड देयर फंक्शन क्या क्या होती हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, कैसे सेल साइकिल और सेल डिवीजन होती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जेनेटिक कोड, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो ये सारे टॉपिक्स होते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर जैसे इसने पूछा है सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनेल्स एंड देयर फंक्शन, तो अगर आप वनस्थली का सिलेबस देखेंगे, तो उसमें क्या होता है कि वनस्थली के सिलेबस में पहले ही फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको क्या बताया गया है, ये देखिए, ये जैसे आप देखेंगे इसके लिए, तो मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो ये सेल जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इनके डिफरेंस बिटवीन क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी दी गई हैं, तो आप इनसे भी अच्छे से प्रिपरेशन करिए, ठीक है। जैसे आपने बताया सेल ऑर्गेनेल्स का है, तो ये जो 6 सर ऑर्गेनेल्स दी हुई हैं, ये तो आपको अच्छे से ही करके जाना है, क्योंकि इसमें से भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये इसका फर्स्ट ईयर का सिलेबस रह चुका है। सेल साइकिल का, सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड इट्स रेगुलेशन, ये काफ़ी अच्छे से करके जाना है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन का डिफरेंस बिटवीन है जैसे इनका, तो ये भी आपको अच्छे से करके जाना है। मैकेनिज्म ऑन ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, ये भी काफ़ी अच्छे से आपको करके जाना पड़ेगा। तो जो टॉपिक हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने सेल ऑर्गेनेल्स का आपको बताया, तो ये आपको जो 6 थे, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया पर और क्लोरोप्लास्ट हो गया, इतने जितने भी और थे, आपको वो अच्छे से करके जाना, क्योंकि उसमें से मोस्ट कॉमनली पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। अब बायोकेमिस्ट्री के पास आता है, तो बायोकेमिस्ट्री में आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मेटाबॉलिज्म, एंजाइम से बारे में पूछा जाएगा, आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एंजाइम है, को एंजाइम होगा, विटामिन एंड हार्मोन्स, और ये भी पूछे जाएंगे आपसे एंजाइम के बारे में। तो आपने ये चीज़ देखा कि ये सब टॉपिक पूछे जा रहे हैं। अब आप वनस्थली का सिलेबस देखेंगे कि क्या पूछा गया था। तो बायोकेमिस्ट्री का अगर मैं आपको सिलेबस बताती हूँ कि बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या है इसके अंदर आके, तो बायोकेमिस्ट्री में जैसे आपको बताया जा रहा है को कार्बोहाइड्रेट है, तो इनके स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज़ हो गए, अमाइनो एसिड हो गया, लिपिड्स हो गए, ये चीज़ हो गई, ठीक है।
और विटामिन का क्लासिफिकेशन एंड ऑल हो गया। तो ये कुछ जो चीज़ें बिल्कुल ही फ्रिक्वेंटली होती हैं जो इसमें दिखाई दे रही हैं आपको, तो वो आपको लिपिड का क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से करके जाना पड़ेगा। ठीक है, जो इसमें दिया है वो तो करके जाना ही है, और आप सिलेबस से अगर आप इसको मैच करेंगे तो जो चीज़ें बिल्कुल कॉमन मिल रही हैं आपको दोनों जगह पर, वो आपको बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से करके जानी पड़ेंगी। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, स्पेक्ट्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, कॉलमनल क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरोसिस, यूज ऑफ ट्रेस, ऑटो रेडियो रेडियोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट जो आपने देखा होगा लैब में हम यूज़ करते हैं, वनस्थली में ये लैब में यूज़ कराए जाते हैं, तो इनके बारे में भी आपसे कुछ भी पूछ लिया जा सकता है, तो ये भी आपको अच्छे से करके जाना पड़ेगा। तो माइक्रोबायोलॉजी से भी बिल्कुल बेसिक से ही है कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, माइक्रोप्लाज्मी, ये सब चीज़ें जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे बायो फर्टिलाइजर्स, बायो सेंसर्स हो गया, बायो पेस्टिसाइड्स, तो ये सब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें जो हमने 11th 12th में भी पढ़ी हैं, तो वही चीज़ इसमें भी रिपीट हो रही हैं आपके साथ। तो आप 11th 12th का प्लस BSc का जो सिलेबस होता है वो काफ़ी अच्छे से करके जाएंगे ये टॉपिक्स के लिए, तो आप आराम से क्वालिफाई कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जेनेटिक इंजीनियरिंग है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी सब टॉपिक्स हैं जो आपने, जीन कोडिंग है जैसा आपने 12th में भी पढ़ी है, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग भी आपने 12th में पढ़ी हुई है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तो आपने पढ़ाई है 12th में भी है ये चीज़ तो। और जैसे मैं और क्या है और मैं बता देती हूँ आपको 12th में क्या क्या आपको मिल जाएगा, ये चीज़ें बेसिकली आपको मिल जाती हैं। एंजाइम यूज इन जीन कोडिंग, वेक्टर है जैसे, वेक्टर भी आपको मिल जाता है, क्या काम होता है वेक्टर्स का, ये सारी चीज़ें आप अगर देखेंगे तो 11th 12th प्लस BSc के नोट्स जो है वनस्थली विद्यापीठ के, आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हैं, आराम से ये चीज़ भी मिल सकती है। बायोस्टैटिक एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन प्रॉबिलिटी, इंट्रोडक्शन टू बायो इन्फॉर्मेटिक, बायोलॉजिकल डाटाबेस, सिक्वेंस होमोलॉजी, यूज़ ऑफ ब्लास्ट एंड फास्ट, ये चीज़ें, ये वाला तो पार्ट आपको पूरा का पूरा वनस्थली के सिलेबस का है, तो ये तो आप अच्छे से करके जाना। अब प्रोबेबिलिटीज़ में वो आपसे कुछ टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी में जो आप पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो होता है बायो इन्फो का पार्ट होता है, तो आपको ये पूछ लेते हैं इजीली कि क्या क्या चीज़ें होती है। बायो इन्फो या बायो स्टैटिक का ये पार्ट होता है, तो आपको ये इसके कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आप कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें इसके। इकोलॉजिकल एंड एवोल्यूशंस है, ये भी 11th 12th में आपको आराम से मिल जाएगा। इम्यूनोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी भी आपको मिल जाएगा, कुछ कुछ चीज़ 11th 12th में प्लस आपको इसमें भी मिल जाएंगे। प्लांट फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म भी है, प्लांट वाटर रेशन हो गया, मिनरल न्यूट्रिशन, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको पूरी पूरी 12th 11th क्लास की बुक में मिल जाएंगी, तो आप उससे इसकी तैयारी कर सकते हैं। आप प्लांट बायोलॉजी है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको कहीं ना कहीं 11th 12th में भी मिल जाएंगी आपको। एनिमल फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म भी आपको मिल जाएगा आराम से। एनिमल एनिमल बायोटेक्नोलॉजी जो है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजिंग, एम्ब्रियो ट्रांसफर, एनिमल एनिमल सेल प्रोडक्शन, एनिमल सेल लाइंस, ये सारी चीज़ें भी कुछ कुछ आपको मिल जाएंगी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको जो है तो क्या क्या चीज़ें आती हैं पार्ट ए में, तो मैं पार्ट ए में आपको बुक्स बता देती हूँ कहाँ से आपको प्रिपरेशन करना है। 11th 12th की बुक जो है, अगर 10th में भी आपको कुछ टॉपिक मिल जाते हैं, वैसे बेसिकली 11th और 12th में ही मिलते हैं आपको, प्लस BSc का जो सिलेबस है आपका बनस्थली का, वो देख लेना एक बार अच्छे से, जो टॉपिक दोनों में मैच कर रहे हैं, मैच जो टॉपिक कर रहे हैं उनको तो एकदम अच्छे तरीके से करके जाना है आपको। और साथ में अगर मान लो कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे आपको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया, जैसे एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया, या कोई भी एनिमल सेल लाइंस हो गया, जैसे एक टॉपिक अगर आपको ये नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करो, इसको इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए और इंटरनेट से ही आप इसकी नोट बना लीजिए। ठीक है, इतना आपको करना है। जो टॉपिक 11th 12th और BSc में आपके 90% टॉपिक कवर हो जाएंगे, बस कुछ कुछ चीज़ें रह जाएंगी जैसे आपकी, तो आप इंटरनेट से उसको कवर कर लें। अब जो बच्चे पार्ट बी कवर करने की सोच रहे हैं केमिस्ट्री सेक्शन के लिए, तो वो बच्चे क्या करेंगे, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में क्या है, वेस्पर थ्योरी हो गई, बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एंगल हो गया, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी हो गई, ये सारी चीज़ें आपको करके जानी है। ठीक है, अगर मैं आपको बताती वेस्पर थ्योरी जैसे कि पहले उसमें दी हुई है आपके,
फर्स्ट सेमेस्टर में ही आती है। तो वेस्पर थ्योरी जो है, वेस्पर थ्योरी में आप क्या विथ रेफरेंस टू जैसे इसमें दिया है BF3, BF4, इन सब चीज़ों को तो आप करके अच्छे से जाइए जो इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। वेस्पर थ्योरी में विथ रेफरेंस टू ये चीज़ें तो आप अच्छे से करके जाइए, क्योंकि इसमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इससे भी आप सिलेबस मैच कर लीजिए। जैसे वेस्पर थ्योरी तो आपको मिल ही गई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डाउन द ग्रुप क्या होता है, और क्या चीज़ें होती हैं डिफरेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल क्या होती है, ये सब चीज़ों के कॉन्सेप्ट आप एकदम क्लियर कर लीजिए। और ये सारा BSc लेवल का ही, ऊपर का भी। एसिड बेस जो है, एसिड बेस में भी जैसे लुइस एसिड कैसे होती है, PHP के, ये सारी चीज़ें भी आपको दी हुई हैं। ये सारा पूरा वनस्थली का ही सिलेबस है, मैं अगर आपको बताऊँ तो आराम से आप इसको कवर कर सकते हैं, और बहुत ईजी है ये चीज़। इसमें कोई भी डिफिकल्टी की बात नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये बिल्कुल बेसिक सा ही होता है आपका। जैसे अगर मैं SPDF ब्लॉक की बात करूँ, तो आप ये क्या है 11th 12th में भी पढ़ लेते हैं SPDF ब्लॉक, लेकिन अब हमें क्या करना, अब हमें पूरा, आप ऐसा नहीं करना 11th 12th की बुक उठा के लेके आ गए एंड पूरा का पूरा SPDF ब्लॉक पढ़ने लगे। एक जनरल सी अंडरस्टैंडिंग ले लो कि SPDF ब्लॉक होते क्या है आखिर, और इसमें जो सब टॉपिक्स दिए हुए हैं आपको उस हिसाब से पढ़ाई करनी है। केमिस्ट्री की तो मैं आपसे इतना कहूंगी कि बिल्कुल बेसिक आप ऐसा मत कीजिए कि 11th 12th 12th के पढ़ने बैठ जाए, क्योंकि बायो एक ऐसी चीज़ होती है जो हम कवर कर लेंगे इजीली, 2 महीने भी आप बायो आराम से कवर कर लेंगे, लेकिन केमिस्ट्री में कुछ कुछ बच्चों को डिफिकल्टी होती है। तो आप क्या है कि बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लो कि SPDF ब्लॉक अगर होता क्या है, उसके बाद जिसके जो भी सब टॉपिक्स दिए हुए हैं उन सब टॉपिक्स की जनरल अंडरस्टैंडिंग को कंप्लीट करें नोट्स बना के, और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है आपको। बाकी सेम चीज़ डाटा एनालिसिस है, टाइप्स ऑफ एरर होता है, ये सब चीज़ें हैं जो आपकी, ये आराम से आप कवर कर सकते हैं। मैकेनिज्म इंक्लूड इन SN1 SN2 रिएक्शन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन कहते होती है, ये सारी चीज़ें आप आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है। अब मैं आपको बता दूं कि आपको मतलब केमिस्ट्री में भी क्या करना है। केमिस्ट्री में जो है आपको एकदम बेसिक क्लियर करना है। फॉर एग्जांपल SPDF ब्लॉक के बारे में मैंने जैसे आपको बताया, तो SPDF ब्लॉक में आप क्या करो कि जनरल सी अंडरस्टैंडिंग ले लो कि पीरियोडिक टेबल में S ब्लॉक एलिमेंट्स को कहाँ रखा जाता है, कहाँ प्लेस किया जाता है डाउन द ग्रुप और विद इन द ग्रुप, इनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या एक्सेप्शन है, थोड़ी बहुत जनरल अंडरस्टैंडिंग मैंने ले ली इसके बारे में। अब जैसे मैंने देखा कि जो भी इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं उस सब टॉपिक्स की मैं क्या करूँगी, उसको प्रिपेयर करूंगी अच्छे से, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से लूंगी, ठीक है। जैसे एसिड बेस है तो आपने देख लिया कि एसिड क्या होते हैं, एसिड लिटमस पेपर को कैसे क्या किस में कन्वर्ट करें, जो जनरल बेसिक सी चीज़ें होती है जो 10th में हम पढ़ लेते हैं, वो कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिए। उसके बाद जो टॉपिक्स दिए गए हैं जैसे बफर सॉल्यूशन आपको कैसे बनाना है, क्या होता है बफर सॉल्यूशन, तो उसके बेसिक्स क्लियर कीजिए आप। तो ये सारी चीज़ें मैं केमिस्ट्री में आपको इतना ही बताऊंगी कि आप जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, प्लस BSc का सिलेबस देख के, आप उसके नोट्स वगैरह देख के आप आराम से कर सकते हैं इसके लिए भी। अब मैं आपको समझा देती हूँ कि आखिर आपको एग्जाम निकालना कैसे, आप क्या करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि आपने जो है सिलेबस आपको पता चल गया, ठीक है। सिलेबस के बाद बुक्स पता चल गई आपको कहाँ से करना है। अगर आप पार्ट ए कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। और अगर आप पार्ट बी अटेंड कर रहे हैं तो आपको ये वाली चीज करनी है, ठीक है। सेकेंड चीज क्या आती है हमारी, सिलेबस कंप्लीट कर लिया हमने, अब हम क्या करेंगे इसका, आप डे टू डे रिवीजन करती रहिए। जैसे अगर मैंने SPDF ब्लॉक पढ़ा है आज, तो मैं जो है हफ्ते में एक बार इसका रिवीजन कर लूँगी SPDF ब्लॉक का। ऐसे आप रिवीजन भी करते जाइए जिससे आप भूल ना। तीसरी चीज़ है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते बना सली के, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं आराम से आपके, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं मेरे ख्याल से, तो आप वो क्वेश्चन को जितना ज़्यादा हो सके कहीं से अरेंज हो सके तो आप आराम से वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चंस आपके मतलब कि जो गलत होते हैं, आप वीकनेस देखिए कि मेरे आखिर हो क्यों रहा है। अगर माने आपने SPDF ब्लॉक पढ़ लिया है और आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया लगाना, तो आप देखिए कि मेरा मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर ली, मैंने सिलेबस से भी पूरा कंप्लीट कर लिया, रिवीजन भी मैं कर रही हूँ, लेकिन मेरे क्यों गलत हो रहे हैं। तो आप देखिए कि आपने वो टॉपिक पढ़ा था ढंग से या नहीं पढ़ा था या भूल गए थे, तो आप वो वीकनेसेस को एनालाइज कीजिए। अब मैं जैसे बता रही हूँ आपको कि क्वेश्चंस देखने हैं, तो मैं आपको क्वेश्चंस की भी PDF दे दूंगी। वैसे 10 क्वेश्चन की है, मेरे पास 10 क्वेश्चन है, आप इससे थोड़ा सा अंदाज़ा लगा दीजिए कितना डिफिकल्टी लेवल होता है या कितना ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल आ सकता है, ठीक है।
जैसे एंजाइम्स के बारे में पढ़ा आपने, ठीक है, तो एंजाइम विद द सेम फंक्शन एंड डिफरेंट मॉलिकुलर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत बेसिक सी चीज़ है, मैं आपको तो बताऊंगी कि बिल्कुल बेसिक है ये कि एंजाइम विद द सेम फंक्शन एंड डिफरेंट मॉलिकुलर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं आप वो बताएंगे। द डबल हेलिकल डीएनए मॉडल इज बेस्ड ऑन, डबल हेलिकल डीएनए मॉडल किस पे बेस्ड होता है, ये हमने 12th क्लास में ही पढ़ा हुआ है, जब डीएनए डबल हेलिक्स जो डीएनए मॉडल मॉडल था जो हमने पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ा हुआ था, इसको आपको 12th में भी बन जाएगा। ये आपकी बैक्टीरिया सेल इज मेड अप ऑफ, बैक्टीरिया सेल हो गई या प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये किस चीज़ से बनी होती हैं, हम पढ़ते हैं 11th 12th से ही पढ़ते आ रहे हैं हम ये चीज़। तो बैक्टीरिया सेल के बारे में जनरल सा पूछ लिया आपने। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, PBR322 किस टाइप का वैक्टर है, तो ये भी हमने 12th में पढ़ा हुआ है कि ये किस टाइप का वैक्टर होता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वर डेवलप्ड बाय, ये सारी चीज़ें आपको BS में आराम से मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, ग्लाइको ऑक्सिलेट साइकिल इज प्रेजेंट इन, ये थोड़ा डिफिकल्टी लेवल इसका हाई हो गया, तो ये आप देख सकते हैं किसमें प्रेजेंट होती है, क्या कहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन मीडियन मोड इज एन एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय द फॉर्मूला, ये किस फॉर्मूले से दिया गया है, मीन मीडियन मोड, ये चीज़ें हैं आपको, ये क्या है आपको घर पे भी मिल जाएगी। ये देखिए ये जो है पैस में भी दिया है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन, वेरिएंस और मीन मीडियन मोड है, ये वाली चीज़ है। तो यही चीज़ इन्हें घर पे आपसे पूछ ली है, तो आपको ये चीज़ आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी आप इसको बता पाएंगे। मिनीमाटा डिसीज इज कॉज ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ, किस्ट की वजह से ये वाली डिसीज कॉज होती है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज डन बाय, किससे प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन कौन करता है। अब आप सोचेंगे कि मैं आंसर क्यों नहीं बता रही हूँ आपके लिए, मैं आंसर इसलिए नहीं बता रही हूँ, जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर लेंगे तब आप ये क्वेश्चन अटेंड कीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन अटेंड करने के बाद आप 1 से लेकर 10 तक आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए किसका आंसर क्या हो सकता है, और जिसका आंसर सही होगा पूरे 10 में से 10 मैं उसको पिन कर दूंगी, और अगर कोई नहीं बता पाया तो फिर मैं आंसर बता ही दूंगी कुछ समय बाद। अब जैसे जो इंसान, जो भी लड़की बायो केमिस्ट्री का सॉरी जो सेक्शन बी केमिस्ट्री का पार्ट अटेंड कर रही है, उसमें भी 100 क्वेश्चन आएंगे, एज क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती जैसे बीटेक बी फार्मा में होती है, मैंने उसकी भी वीडियो बनाई है, अगर इसको बीटेक या बी फार्मा में एडमिशन लेना है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, बट इसमें नहीं होती है। अब केमिस्ट्री का पार्ट आप अटेंड कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, विच नेगेटिव रेडिकल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट इन एन एक्वा सॉल्यूशन इंडिपेंडेंटली, इसमें से कौन सा नेगेटिव रेडिकल है जो कि इंडिपेंडेंटली नहीं रहता है, एक्वा सॉल्यूशन में नहीं रह सकता, डज नॉट एग्जिस्ट इन एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है, तो आपको इसमें से बताना पड़ेगा। अब देखिए मैं इसमें आपको बता दूं कि जनरल सी चीज़ें होती है, स्टेटमेंट सही या गलत कैसे होते वो भी आप बता ही लेंगे, और जैसे कुछ चीज़ें जिसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है तो वो क्या होते हैं कि ये जो रिएजेंट्स होते हैं, फेंटोन रिएजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज नोन एज फेंटोन रिएजेंट, तो ये थोड़ी डिफिकल्ट लेवल हाई हो जाता है, तो आपको इसको ध्यान रख के ऐसी चीज़ें भी आपसे पूछ ली जाती हैं कि क्या कौन सा रिएजेंट होता है जो लैब में हमें आराम से करवाया जाता है, तो आप वो पूछ सकते हैं आपसे। इसमें आपसे रिएक्शंस भी पूछ सकते हैं कि इस रिएक्शन में एक्स प्रोडक्ट क्या बन रहा है या बाय प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, वैसी रिएक्शन भी पूछ ली जाएंगी। तो ये आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको अच्छे से रिएजेंट्स के बारे में पढ़ लेना आप लोग, ठीक है, इसमें रिएक्शंस के में एक्स या बाय प्रोडक्ट क्या बनता है वो सारी चीज़ें भी देख लेना, या कोई भी आपको रिएक्शन दे रही तो वो एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी कैसी होगी, तो आपको वो भी बताना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अगर आपको PDF चाहिए है इन क्वेश्चंस का, सिलेबस का PDF चाहिए, और साथ में ही आपको जो वनस्थली का सिलेबस होता है मैं पूरा आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, आप अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।